Cheers, everyone. Thank you so much for joining the video. Now, this is very interesting and बहुत अलग वीडियो है जो मैं हमेशा करता हूँ, but I guess इस वीडियो को करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत भी जुटानी पड़ी है और I guess कुछ एक्सपीरियंस है ओवर द टाइम जो मैंने गेम किया है और मैं चाह रहा था कि यार ये चीज भी इम्पॉर्टेंट है बात करने के लिए. सो दिस इज अ प्योर एक्सपेरिमेंट दैट आई एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, बट प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज लेट मी नो कि यार आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में रखे हैं क्या वो सच में सही है या कुछ गलत है, या आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो. एंड आई गेस वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को वीडियो का टाइटल समझ में आ ही गया है और टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू कॉन्कर द फियर ऑफ लूजिंग समवन. किसी को खोने के डर को मतलब कॉन्कर करना या मतलब इस चीज को मान लेना कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, दिस इज माय कलीग एंड आई डोंट हैव अ फियर, आई हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन देम, हाउ आई कैन डू इट. So this is your host and dost Gaurav Sharma who is going to talk about this. This is like over the time I have experience and I got to know. So I thought of sharing this topic with you all as well. And more importantly, this was something which was suggested by my a close friend that Gaurav, why don't you share your thoughts on this? So here I am. And for that, I also want to give this opportunity to all of you. कि आप लोगों को लगता है कि यार इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए या इस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, प्लीज अपने कमेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जाना. मैं एक एक डिस्क्रिप्शन के कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू विद देम एज वेल. राइट, सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोट, मैंने थोड़े टाइम पहले ये कोट पढ़ी थी और मेरे ख्याल से इस कोट से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि लाइक द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लव इज टू लिसन. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन है इस वर्ल्ड में कि व्हेन यू टॉक अबाउट लव यू ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक योर पार्टनर हु इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर समथिंग लाइक दैट, या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ, हमने लव को वहीं सीमित कर दिया. मेरे ख्याल से ये चीज भी समझने की जरूरत है कि यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो अ लव, योर फ्रेंडशिप, योर रिलेशनशिप, योर लाइक अ पर्सन हु इज मेंटरिंग यू, हु इज गाइडिंग यू. हर तरह का वो एक फियर है जो किसी को लूज करने पे आपको डिप्रेस या आपको एक अनसक्सेसफुल या आपको एक पर्सन बना देता है विच यू कैन से यू गो इन अ वॉइड सिचुएशन. तो मेरे ख्याल से फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप है इज टू लिसन ईच अदर. और मेरे ख्याल से लव की फर्स्ट ड्यूटी भी यही है कि आप दूसरों को सुनो, समझो. डोंट ट्राई टू पुट डाउन योर रिएक्शन इमिडिएटली व्हेन यू लिसन समथिंग. लव is the like for your first duty is to listen someone what they want to speak. There might be a people whom you meet, they are not good at speaking. No worries, try to spend some time with them and make them self comfort. Having said that, if I'll take you what I have experienced over the time, okay, how to conquer this fear of losing someone, what are my habits that I have adopted, the very first is pick the right person. Now, right person हम कैसे pick करें? You know, many a times people have their walls. एक हमने ना bubble बना लिया है हमारे दिमाग में कि हम ऐसे ही person को like करेंगे, या हमारा कोई mentor होगा वो यही person होना चाहिए, कि अगर कोई मेरा mentor है तो उसके पास एक successful achievement ही होने चाहिए. हम कभी भी ये चीज नहीं देखते हैं कि सामने वाला person एक different individual है, हमें उसको उतना ही time देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. सो यू नीड टू पिक द राइट पर्सन टू बी विद. नाउ बहुत एक फेमस सेइंग है जिसको मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि अगर तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने 5 दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हारे से स्टेटस में, तुमसे पैसे में, या तुम्हारे सी सोच में, या कम से कम तुम्हारी उम्र में बड़े हो, क्योंकि वो तुम्हें एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करेंगे. सिमिलर तुम किसी 4-5 गुंडे गुवारों के साथ रहने लग जाओ, तुम्हारा भी एटीट्यूड वैसा ही हो जाएगा. राइट, सो पिक द राइट पर्सन टू बी विद. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने थॉट शेयर करो, उसके थॉट समझो, एंड इफ यू थिंक इट इज वर्किंग वेल बिटवीन बोथ ऑफ यू, गो हेड विद दैट रिलेशन. नाउ दिस रिलेशन कैन बी योर फ्रेंडशिप, कैन बी योर लाइफ लॉन्ग रिलेशन, कुछ भी हो सकता है. तो पिक द राइट पर्सन टू बी विद. अगर तुम फैमिली के साथ हो, तुम्हें अच्छा लगता है मम्मी के साथ रहना, मम्मी से बात करो. तुम्हें लगता है कि इस चीज का अच्छा डिसीजन तुम्हारे पापा दे सकते हैं, पापा से बात करो. तुम्हें लगता है कि इस चीज का डिसीजन मेरे सिबलिंग्स अच्छा दे सकते हैं, उनसे बात करो.
So you need to pick the right person to be with in that particular situation. सबसे पहले ये चीज गलती करते हैं कि हम लोग जाकर के किसी से भी कुछ भी थॉट शेयर करने लग जाते हैं, और वहां जब हमें नेगेटिव मिलता है तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग बिटवीन बोथ ऑफ अस, एंड मेनी अ टाइम्स वी फाइट विद आवर फैमिली दैट यू नो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज वर्किंग. सो यू नीड टू पिक द राइट पर्सन टू बी विद, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट्स वेयर यू विल स्टार्ट लूजिंग दैट फियर. अरे ये सही है, मैं इनके पास इस प्रॉब्लम को लेके जाऊंगा, मैं सॉल्व कर देंगे. नाउ jumping on to my second problem or the second thing that I believe, prioritize the relationships. Bahut important hai do cheezon ke, do logon ke beech ka ek achhi understanding hone ke liye priority set karna. Apni priority set karo ki yaar aaj maine din ka 1 ghanta aapke sath bitana hai, mujhe aapke sath phone pe 2 ghante baat karni hai, mujhe agar mera mentor hai mujhe iske paas is problem ke liye zarur jana hai, meri family hai at least din mein ek baar main apni family ke sath ja kar ke zarur baithunga, मेरे दादा दादी घर पर है मैं उनके साथ जाकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, मेरे घर पे अगर छोटे बच्चे हैं, मेरे नेफ्यू हैं, नाइस हैं, मैं उनके साथ जाकर के भी थोड़ा सा खेलूंगा, प्लस मैं अपना काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखूंगा. प्लस एट द सेम टाइम यू हैव टू क्रिएट अ राइट बैलेंस, जस्ट लाइक यू ऑलवेज डू टू क्रिएट अ राइट बैलेंस बिटवीन योर पैशन एंड प्रोफेशन. यू हैव टू क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर प्रोफेशन विद योर रिलेशंस ऑल्सो. सो प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप. मतलब मैंने एक जगह सुना था कि अगर आपके पास में वर्क है, आपके पास लेट्स से 3 ग्लासेस हैं, 3 ग्लासेस में से एक कांच का ग्लास है, योर लाइक वर्क इज देयर, फैमिली इज देयर, योर हेल्थ इज देयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन ऑलवेज बाउंस बैक इज योर वर्क. बाकी सब वो कांच के ग्लास हैं, अगर टूट गए ना तो कुछ भी नहीं बचेगा. एक वर्क ही ऐसा चीज है जो बाउंस बैक हो सकता है. तो अगर तुम अपनी लाइफ का वो ग्लास अगर वर्क बनाना चाहते हो जो पता है कि नीचे गिर भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेक श्योर कि तुम अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को उस कांच के ग्लास की तरह रखो कि यार अगर ये छूटा और गिरा तो आई गेस नथिंग इज गोइंग टू गेट बैक. प्रायोरिटाइज द रिलेशंस, रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दो, वो बहुत जरूरी है. थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर. हमेशा क्या होता है, बहुत लोगों को मैंने ये चीज करते हुए देखा है कि आप सामने वाले किसी भी फ्रेंड से या किसी भी अपने पार्टनर से बातचीत तो स्टार्ट कर देते हो बट उनको समझते नहीं हो, और हम उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. छोटी छोटी चीजों की केयर करने से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं. लाइक एवरी सिंगल टाइम व्हाट वी डू, एक छोटा सा एग्जांपल है, हम बर्थडे पे जाते हैं, किसी का गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं, यू नो दैट स्मॉल स्माइल वी सी ऑन द फेस बिकॉज ऑफ दैट गिफ्ट्स, कोई इशू नहीं है. सेम चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसको किस चीज से खुशी मिलती है, आपको उन चीजों को बार बार दोहराना पड़ेगा, अगर कुछ गलत है उनको रोकना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर डिसीजन, यार ये डिसीजन ले क्यों रहा है, अगर ये डिसीजन ले रहा है, अगर इसका गलत हुआ, इफ यू आर ऑनेस्ट विद देम, गो एंड एक्सप्लेन देम कि यार यू पता है मेरे को लगता है कि ये चीज है ना ऐसे वर्कआउट नहीं करेगी, ट्राई टू सी समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. वो अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, बात करो एंड अप्रिशिएट करो एक दूसरे के एफर्ट्स को. अब ये भी होता है कई बार क्या होगा, आपके पास लोग सजेशन लेके आएंगे और आपको लगता है क्या पागल आ गया, कोई बात नहीं, उसको इस बात के लिए अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट वो आपके साथ ऑनेस्ट था, वो आपके लिए एक अप्रिशिएशन डिसीजन लेकर के आया क्योंकि उसको केयर थी कि हो सकता है आप गलत कर रहे हो. अप्रिशिएट करो एक दूसरे को. अगर आपको स्टिल लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे यही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अप्रिशिएट करके छोड़ दो, बोल के छोड़ दो कि हाँ यार अच्छा लगा यार तू आया, बात करी, बट यू नो मैं अपना माइंड बना चुका हूँ, मुझे ये करना है. कम से कम उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो आपके पास वापस आने की सोचेगा. आपके पास कोई सजेशन लेके आया तो भग यार यहाँ से, मेरे को तो नहीं करना, मेरे ख्याल से वो आप अपना एक रिलेशन खराब कर दोगे. तो मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्कर द फियर ऑफ लूजिंग समवन, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर. हर स्टेप पे एक दूसरे के साथ अप्रिशिएट करो. एवरी सिंगल टाइम इफ यू आर टू इंडिविजुअल्स हु आर इन लव विद ईच अदर और यू आर स्टार्टिंग मेकिंग एन रिलेशन, मेक श्योर दैट यू स्पेंड टाइम वेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर स्मॉल एफर्ट्स दैट समबडी इज पुटिंग फॉर यू. बहुत जरूरी है ये चीज करनी. नाउ फोर्थ एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई हैव गॉट टू एक्सपीरियंस इज दैट गेट टू नो अदर पीपल्स गोल. बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम फ्रेंड हो, तुमने अपनी फ्रेंडशिप नई नई स्टार्ट करी है, तुमने अपना अपना करियर स्टार्ट किया है, तुम अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करने वाले हो,
दूसरे के गोल्स भी जानो, हमेशा अपने डिसीजन दूसरे वाले पे मत थोपो. यू नीड टू मेक योरसेल्फ अलाइन टू देयर गोल्स ऑल्सो. अप्रिशिएट करो, उनको गाइड करो. यू माइट बी गुड नॉलेजेबल इन द वे कि यार आपको इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज है. यू माइट बी गुड इन अंडरस्टैंडिंग कि यू हैव एक्सपीरियंस दीज ऑल थिंग्स. उसके भी गोल समझो कि व्हाई ही हैज टेकन और व्हाई शी हैज टेकन दिस स्टेप टुवर्ड्स द गोल. Because, like, let's say you are a friend at 21 years of age. उन्होंने अपने 20 साल लाइफ के आपके बिना बिता रहे हैं. इस 20 साल में उन्होंने अपने कुछ दूसरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया था. हो सकता है आप यूनिक हो, बट अपने वो 20 साल का एक्सपीरियंस एक रात में चेंज नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा. तो उनके गोल्स को समझो कि वाई यू वॉन्ट टू बी इन दैट जोन. लाइक टेक वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इज आई एम इन टू आई टी एंड आई मेट्स वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉन्ट्स टू परस्यू द गवर्नमेंट जॉब. अब मैं उसको जाकर के अगर ये समझाऊं कि नहीं भाई आईटी में कर ले, ये है पैसा है वो है सब कुछ, जबकि उसने अपने लाइफ के 20 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए लगाए हैं, तो मुझे उसके गोल को समझना पड़ेगा ना कि यार उसने ऐसा 20 साल में ऐसा क्या देखा उस जॉब में कि वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है. राइट, सो गेट टू नो अबाउट ईच अदर्स पीपल्स गोल कि व्हाट यू वांट टू डू. मेरे ख्याल से लाइफ की फर्स्ट स्टेटमेंट भी आप लोगों की, जब आप इंटरेक्शन स्टार्ट करो, थोड़ी हाय हेलो हुई, बातचीत स्टार्ट हुई, उसके बाद में एक दूसरे के गोल्स के बारे में बात करो कि तू कहाँ देखता है यार अपने आप को 5-10 साल बाद में, क्या करना क्या चाहते हो लाइफ में, क्या आपके पास उसके लिए कुछ हेल्प आपको चाहिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ. टेक्निकल बातों से कभी दोस्ती नहीं बनती है. टेक्निकल बातों से एक छोटी प्रॉब्लम होती है जो सॉल्व हो जाती है, बस खत्म. बट इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड अबाउट ईच अदर्स गोल, अंडरस्टैंड अबाउट पीपल्स वट दे ड्रीम फॉर, वट आर देयर ड्रीम्स. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Then, open up with your partner. बहुत important step है. ये मेरा fifth habit है कि अपने partner के साथ honest रहो, loyal रहो, and more importantly, उनके साथ open. Because they want to, they are expecting this from you. कभी कभी क्या होता है, मैं तो introvert हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं बोलता. और ये बात बोल के हम अपने बहुत सारे काम निकाल लेते हैं कि यार मुझे तो ना बोलना आता ही नहीं, मैं बड़ा shy हूँ. Reason being, other person भी है, वो भी try कर रहा है, वो भी effort डाल रहा है. You need to be open with your partner. Now, when I say typical this partner, ये मत समझ रहे ना एक boyfriend girlfriend की बात हो रही है या एक husband wife की बात हो रही है. मैं हर एक relation की बात कर रहा हूँ. Even if let's say you are an elder brother, you have a younger sister, go and talk to her. उसके बारे में पूछ लो, कभी कभी उसके बारे में बात करो. दोनों जा करके जैसे भी time spend कर सकते हो time spend करो. तुम अपने mom के साथ बात कर रहे हो, काफी time हो गया होगा शायद तक तुमने अपने mom को खुल के नहीं बताया गया, पता मम्मा मेरे life में ये सब कुछ चल रहा है. हो सकता है तुम्हें अपने पापा के साथ जाकर के कुछ बात करनी हो. डोंट बी हेजिटेट, ट्राई टू ओपन अप विद योर पार्टनर. और ये एक रात में नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. ओपन अप, जाकर के उनसे बातचीत स्टार्ट करो, वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करने लग जाएंगे. जनरेशन गैप इसलिए आ गया कि आज की हम जनरेशन, माने हम लोग अपना ये मतलब BTS नेटफ्लिक्स के फैंस हैं, हमारे मॉम डैड या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस जमाने से जब वो ब्लैक एंड व्हाइट में महाभारत देखते थे. हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस होल इंटायर कल्चरल चेंज कैन हेल्प यू टू थिंक देम कि यार वो आपकी तरह सोचने लग जाएं? पॉसिबल नहीं है. तुम्हें भी उनकी तरह सोचना पड़ेगा, तुम्हें भी उनके ग्राउंड्स पे जाके सोचना पड़ेगा कि मेरे मॉम डैड अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसा क्यों ले रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू कन्वे इज यू ऑल इज दैट ओपन अप विद योर पार्टनर, गो एंड टॉक, बात करो. Don't expect them to come. Take your first step first. कोई पहला step लेने से छोटे बड़े नहीं हो जाओगे. तो जाओ जाकर के बातचीत start करो. Open up हो लोगों के साथ. The next step which I always talk about is that don't look for fairy tales. मैंने बहुत देखा है यार, मतलब एक लड़का ना मतलब चांद तारे तोड़ने लाने की बातें कर देगा. Reality में possible नहीं है. Reality में सामने वाला इंसान सिर्फ आपका support, आपका time, आपसे वो छोटी छोटी मतलब लाइक सरप्राइजेज और हैप्पीनेस की डिमांड करता है. दे आर नॉट लुकिंग लाइक यार तुम लोग जाओ जाकर के कल मेरे लिए बुर्ज खलीफा ही खरीद के ले आओ. यू नो, तुम कल जाओ उठो और चांद तारे मेरे कदमों में ला के बिछा दो. वो बोलने के लिए बहुत अच्छा है बट रियलिस्टिक नहीं है. सो डोंट लुक फॉर द फेरी टेल्स कि आई विल क्रिएट स्टार्स ऑन दिस अर्थ, मैं आपको कल मार्स पे ले जाऊंगा, परसों आपका मून आपको ला करके रख दूंगा. नहीं, लुक फॉर वट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. उनको सपोर्ट करो उसके गोल्स के अचीव करने में, उनके लिए ड्रीम्स बनाओ, उनके ड्रीम्स को अचीव करते हुए देखो. ऐसे गोल्स बना करके दिखाओ जिससे आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे. वेदर यू आर अ फ्रेंड और यू आर अ पार्टनर डजंट मैटर, बट ये सब के लिए इंप्लीमेंट करता है. हर एक लाइफ में हर एक रिलेशंस के साथ इंपॉर्टेंट है. डोंट लुक फॉर द फेरी टेल्स.
डोंट जस्ट गो आउट एंड से यार मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं तो ये इतिहास रचना चाहता हूँ. रचो, कौन मना कर रहा है, बट आज के टाइम में जो इम्पोर्टेंट है वो भी तो करो. कहीं इतिहास रचने के चक्कर में अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पार्टनर को भूल गए तो क्या फायदा. रिकॉर्ड इतने भी नहीं बनाने हैं, हर एक चीज को इंपॉर्टेंट लेकर के चलना है. सो डोंट लुक फॉर द फेरी टेल्स कि यार उसकी लाइफ कैसी है. और ये तो करना ही बिल्कुल बंद कर दो कि सामने वाला लाइफ में देखो यार कितना आगे बढ़ गया, मैं कहाँ रह गया, यार उसकी फैमिली में कितना कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू हैव योर ओन स्टोरी टू लिव. तुम्हारी खुद की एक अलग स्टोरी है, तुम्हारी अलग एक जर्नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डोंट लुक एंड रन बिहाइंड द फेरी टेल्स, बी इन द रियल वर्ल्ड. एक रियलिस्टिक गोल सेटअप करो और उनको सपोर्ट करो, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूं, अगर मेरी लाइफ में अगर कोई मुझसे पूछे, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, बहुत है. और कोई भी रिलेशन इस दुनिया में, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे सिबलिंग्स का हो, चाहे तुम्हारे पार्टनर का ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ बींग लॉयल एंड ऑनेस्ट आई गेस आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है. हो सकता है आप आज पैसे की लिमिटेशन की वजह से आप वो सब चीजें ना कर पा रहे हो, कल कर पाओगे, बट वो कल तब कर पाओगे जब आज लॉयल हो, आज ऑनेस्ट हो, जब आज उनको सपोर्ट कर रहे हो. कल फैसिलिटीज आ जाएंगी, आज उनको चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके उस टाइम पे आपको उनके साथ होना है. खुशियों में तो कहते हैं ना कि सब साथ होते हैं, प्रॉब्लम तो दुख के टाइम की है. तो आपको ये चीज देखनी है कि अपने वो इमेजिनरी ड्रीम्स या फेरी टेल्स मत बनाओ जिसमें आपको रहना पसंद है. बी इन द रियल वर्ल्ड. नाउ दिस इज द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. तुम्हें लगता है कि खुशियां बाहर ही हैं, मेरे ख्याल से मैं मानता हूं खुशियां हमसे ही पैदाश होती हैं. तुम सोर्स बनो उसकी हैप्पीनेस का. ट्राई टू क्रिएट दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स. यू नो मेनी अ टाइम्स यू माइट बी हियरिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, तो पता है उस टाइम पे तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे दादा या तुम्हारे दादा या नाना नानी खत लिखा करते थे. Right, you know, those paper letters. We always have heard these stories ki yaar sandesh se aate hain, sandesh se jaate hain, like all those things. Wo choti choti khushiyan life ko bahut limitless smile ke roop mein aapko milti hain. You be the source of happiness. Try to give some surprises. Try to make them happy as much as you can. अपने आप अपने अंदर से खुशियां लाने की चीजें सर्च करो. Materialistic world एक सिर्फ distraction है जो पैसों के साथ अचीव कर लिया जाता है. वो एक टेम्पररी सॉल्विंग है. बट इफ यू वॉन्ट टू ऑनेस्टली, यू वॉन्ट टू सपोर्ट समवन, ट्राई टू बी द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस. हेल्प देम, सपोर्ट देम, एम्पावर देम टू अचीव देयर गोल्स सो दैट यू फील दैट जॉय. पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं. एक ईंटों से बनी दीवार और घर को आप खरीद सकते हो पैसों से, बट उस घर के अंदर का असली मजा तुम्हारी फैमिली के साथ आएगा और वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है. तुम पैसों से एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अफोर्ड कर सकते हो, सिर्फ एक डॉक्टर की फीस अफोर्ड कर सकते हो. पैसा तुम्हारे बैंक बैलेंस को बड़ा दिखा सकता है बट सर में टेंशन कम नहीं कर सकता है. सो फॉर दैट यू नीड टू सर्च हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ एंड चैरिटी बिगेंस एट होम. तो ये कभी मतलब नहीं होता कि चैरिटी करनी है तो पैसे से ही चैरिटी होती है. किसी को एम्पावर करना भी सबसे बड़ी चैरिटी है, किसी को मिसगाइड ना करना भी सबसे बड़ी चैरिटी है. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी हैप्पीनेस ढूंढनी है, अपने अंदर ढूंढो, अपने फैमिली के लिए सर्च करो, अपने पार्टनर के लिए सर्च करो. तुम्हारा दोस्त है गलत कर रहा है और तुम उसको करने दे रहे हो, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा अपराध ही है. तुम्हारा पार्टनर है वो कुछ भी एक फेरी टेल्स बुनता जा रहा है और तुम उसको सपोर्ट करते जा रहे हो, गलत है. मेक श्योर दैट यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ताकि उसको हैप्पीनेस के लिए बाहर जाना ही ना पड़े. हाफ ऑफ द रिलेशंस गेट रूइंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट पीपल गो आउटसाइड. And then they start complaining, you know, that got outside and they got these affairs and all these parts. He is so depressed, they are taking drugs and they all the things. Reason being, they are not able to achieve the happiness at home. Tumhare ghar pe, tumhare living space mein, tumhare room mein tumhe apna happiness void banana hai. Tumhe apne surrounding ko happy banana hai. Aur wo tumse hi start ho sakta hai. So you be the source of happiness. You keep a smile on your face while you interact with someone. जाओ जिससे बात करो, हंस के बात करो, ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा. तुम हंस रहे हो, सामने वाला आके तुम्हें लाफा तो नहीं मारेगा ना, राइट? वो चीज समझने की जरूरत है. अगर तुम स्माइल करोगे, ऑटोमेटिक साइड वाला सारा इन्वायरमेंट स्माइलिंग वाला हो जाएगा. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड विद द हैविंग सेड दैट, आई जस्ट वॉन्ट टू रीइटरेट एंड फोकस ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेइंग, द बेस्ट फ्रूट
ऑफ लव इज अगेन द ट्रस्ट. एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखो, चाहे वो फिर इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ तुम्हारे पेरेंट्स हो, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस, फ्रेंड्स, मेंटोर, जो भी हो. अगर तुम्हें अपना प्रूफ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के साथ ही मिल सकता है. एंड आई गेस इनफ सेड अबाउट लव एंड ऑल. टू लव वन सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग रोमांस. स्टार्ट लविंग योर सेल्फ दैट यू नो येस आई एम इन लव विद माई सेल्फ. लव क्योर्स पीपल, बोथ द वंस हु गिव इट एंड वंस हु रिसीव इट. सो टू गिव लव, डोंट एक्सपेक्ट द रिटर्न. Don't expect that somebody else is also going to love you. You give love. The giving of love is an education in itself. Be the change for somebody's in the life. The change you want to bring in your life, start giving that positive vibe. So with that, I hope you all like the video. And if you liked it, please press that bell icon, the thumbs up icon, and make sure that you leave a comment. Or अगर आपको लगता है कि अगर इनमें से कुछ पॉइंट आपकी लाइफ में हुए हैं या आपको लाइफ में कमेंट मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर एक कमेंट छोड़ करके जाना. एंड डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि मैं किसी और वीडियो इस टॉपिक इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे अगर हम वीडियो और बनाएं, प्लीज़ लेट मी नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल सी यू विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन, एंड आई विल सी यू विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन कीप लविंग. Keep supporting each other and make more sure. Trust each other. With that, thank you so much. Cheers with Gaurav, signing off. Thank you.